उसमें फिर फीलिंग आने लग जाए ना यार। कला जा सुन तो कला जाओ ना उसमें फिर तो फीलिंग को नहीं आती वा। और दो तीन जने लेने वाले आ जाने वाट फोन घुंडा हो पे हाँ जी यूट्यूब और फेसबुक देखने वाले सारे भाई ना भाई रवि शिवाज की और राम राम। उम्मीद करता हूँ सारे भाई बढ़िया होंगे मस्त होंगे स्वस्थ होंगे। बच्चे गए हैं भाई स्कूल में और व्लॉग की अपना जो है वो शुरुआत कर दिए। तो चैनल पर जितने नए भाई हमें चैनल ने पहले तो कर दो चैनल सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबा दिया करो। तो कल अपना व्लॉग नहीं आया भाई, व्लॉग किस कारण बनाया क्योंकि कल लगे था भाई तेरा भाई सवेरे 8 बजे काम गए और शाम के 8 बजे गए थे। 8:15 बजे मैंने स्नान कराया था, बल्कि मिस्त्री तो जो दोपहर का टाइम उसमें रोटी खाने भी गए थे, लेकिन मैं भाई फिर भी लगे रहा था। तो मैं दिखाऊंगा आप नहीं भाई कल अपन के तैयार कर रहा था। ये देखो भाई ये रैंप बनाया गया ना और तैयार कर दिया था अपना भाई, यही साइड में बिछा दी थी ईंट और ये रैंप इस पर लग जाए भाई। अब गरे नाइट उनके लिए कच्चा रैंप तैयार करके ना अपना जो हो दे दिया है। बाकी मिस्त्री चिनाई आने का जो काम कंप्लीट हो गया उनका, तो और टंकी वाला भी अपना भाई काम कर दिया, पक्का लेंटर टेक दिया है। और ये देखो भाई ये जो ये पाइप जो देखी मैंने पहले भी दिखाई थी आप लोग, ये वापसी की पाइप है, ये टूटी होगी और ये जो टंकी में तो मोटर उठा हुई वो वाली होगी। और एड तो भी पक्का काम कर दिया जो अपन 4 इंची पाइप दबी थी ना उसका, तो ये अगर से पानी भी लीकेज होगा तो अब जो 4 इंची मोटी पाइप थी उसमें को ही नाली में चला जाऊंगा भाई। बाकी कल का हमारा यो काम था इसलिए मैंने कल वो लोग नहीं बनाया भाई, टाइम ही नहीं लगे एक मिनट का भी, इतना भी टाइम नहीं था कि मैं बाल कटवाया हूँ भाई। और आज मंगलवार हो गया तो वैसे भी नहीं कट सकते बाल, तो भाई आज आओगे अपना पीओपी वाले तो लग गए रहे और साथ में आओगे पेंट वाला भाई भी। और पेंट वाला का फोन तो आया था कि भाई मैं आऊँगा कन्फर्म, और अकेला ही आऊगा वो आज लगा प्लाट में क्योंकि उड़ा सारा सिस्टम खाली हो रहा और इतना ऐड करा गए पीओपी वाले, वह पीओपी भी सूख जाएगी भाई इतना और फिर ऐड लगा बाद में आएगा ना। तो ये मेरा काम है जो इसमें मना है बस इसी चीज़ की ढीक देगी मायू लेंटर ठीक जे और फिर मैं माटी एक शहर करके और दुर्मज वगैरह लगाएगा ना भाई और रोड इसके अंदर फिक्स कर दो। तो रोड फिक्स करने के बाद में ही जो टाइल वाला मिस्त्री है उसने ये बोला था भाई तू तैयार करके न दे मैंने जल्दी से जल्दी, और फिर उसी दिन मेरे तो रगन टीम मैं तो अपना काम रह गया बस यू। बाकी यू काम कंप्लीट होने के बाद में भाई मैं फ्री हो जाऊँगा बिल्कुल, फिर मेरा कोई काम नहीं रहता। फिर पीओपी और जो पेंटर वाले लग रहे हैं इनका तो ठेका है इनका और अपना इनमें काम भी नहीं। बाकी काम है थोड़ा बहुत साफ सफाई का, लेकिन एक दो भाइयों के कमेंट आ रहे थे मेरे तो रहे कि भाई जो भाई पीओपी लग रहे हैं ना करना तो जो नीचे कचरा वगैरह गिरा है वो साफ करना उन्हें का काम हो भाई। जो कर इसमें कल पीओपी करके गए थे और मैंने तो पाल भी ठहर गया था ये तो जितनी बात जाहिर थी और जो आला मसाला है वो नीचे डब है तो बोले उन्हें का काम होगा। तो भाई उन भाई है ना भी आ जाएगा ना तारा शामी वीडियो के शामी पूछूंगा कि भाई यू तारा काम होगा तो उनका क्या जवाब आऊगा। तो वीडियो ना स्किप ना करिए बिल्कुल भी और मैं जुटू इतना भाई यू सारा ठैगन एडता है सामान सा और इसमें माटी मुट्टी एक शर करके ना भाई और दुर्मच लगाऊंगे तो वीडियो देख दे रही हो आप बीच में स्कीप ना करियो 10 सेकंड की भी। सारा सामान लेंटर के ऊपर टका है क्योंकि पापा ने ना माटी गिड़नी और ना गिड़ने रोड़े भाई। बाकी खेत देखा नहीं इसका काम थाने तो लेंगे ऐसे तो भी शायद ये देखो भाई सॉरी कर गए 855 अरको गोटा आड़े गए देख गए मदान में कुटण का के जुगाड़ है कुटण का तो के थोड़ा सारा कम पड़या मन्ना के बिरा फोड़ देगा मोड़े 10 दिन लावा का 10 दिन क्या लावा हमरा आपा बैठे बैठे नोटुलक टुलक सारे फोड़ दे और रोड़े जो मशीन लेयर की थी वो है वो रोड़े कम रह गए मारे मशीन भी लेयर की थी फिर भी कम रह गए देखो मैंने कहा था मैंने कहा
मैं फिर दर्दी आई मैं तो खान दे ऋषि भाई भी पहुंच गया भाई अपना पेंटर भाई तो जेंडली तो जो भाई थी जान दो भाई एक बार सारे साथी कमेंट करके ना जरूर बताई भाई परिचय दे दे एक बार थोड़ा यार अपने यूट्यूबर वाले जितने भी देखने वाले भाई सारे भाई ने राम राम भाई मैं ऋषि पेंटर जेंडली कला से आज रवि भाई का काम शुरू करने जा रहे हैं कैसा काम करेगा जो ऋषि बता मेरे को देख शुरू तो लेके ना एक मिनट शुरू तो लेके ना और लास्ट तक की अपनी वीडियो बनेगी मकान पूरा कंप्लीट हो जाएगा ना जद लगी ये तो नू देख ले किसा काम करके ना देना वा पहली ही बताया देता हूँ वा चीज अब किसा करूँगा मैं और के लेवल का होगा काम भाई हम जो स्टार्टिंग से काम करने जा रहे हैं मतलब है पुट्टी और उसके बाद पेंट है तो मतलब पूरा मन लगा के काम करांगे और जो प्राइस मैंने जाने हैं वो भाई रवि ने बताई भाई एक चीज और बता दू यू मिस्त्री नहीं है यू ब्रांड है आपका लाइसेंस दे रहा है पेंटर का और वह चीज भी मैं अपना दिखाई दूंगा बाकी दिखाने की जरूरत नहीं जिस टाइम यू काम का लगा है ना और जो काम दिखेगा वो अपने आप पे बता देगा लाइसेंस के रूप में हो जाएगा वो काम बाकी भाई एक बार मामे जो सामान लेके आए थे इब लगे तो भाई अगले के पीछे भी बंदे गए पहले तो सामान मिलावांगे जो लिस्ट में है और फिर उसके पेमेंट करके आवे भाई सरदार भाई की लग पेमेंट नहीं करी मामे सामान ले आया ना कह दिन करी थी 4 दिन तो है पड़े ना 4-5 दिन है फौजी हो जब ले आए थे हाँ तो भाई लग रहे हैं देखने मामे सामान वगैरह जो भी है इसके अंदर माटी एक्सर करके ना भाई और दुरमच वगैरह लगाए ना बिल्कुल एक्सर कर दिया है और यू एरिया रह गया बस बाकी इसमें ही रोड़े रोड़े डाल गए ना और मुरापन भी भाई खूब हिम्मत में रही है देख बैठ के ना कितने रोड़े कूट दिए बैठे बैठे ना मौसम हो गया खराब भाई बारिश आने लगी है और आपे चलेंगे जेंडली जेंडली चलने से पहले मैं आपने दिखाई दूँ कि ऋषि भाई ने कितना काम कंप्लीट करा है वाह जी वाह क्या हाल भाई लग रहा मेरा हाँ तेरा काम जाऊँ फिर मैं हाँ बड़ी जेंडली जा गया हूँ मैं तोड़ो भाई कल जो अपना आ रहा था डैम स्कूल का जो डायरेक्टर है डायरेक्टर और उसकी वाइफ स्पेशल इनवाइट करके गए थे भाई मैंने लेकिन तारा भाई की जो कंडीशन है सिचुएशन वह फिलहाल मेरे प्रोग्राम में मुख्य अतिथि का रूप में जाने वाले को नहीं भाई तो इसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा और मैं छोड़ी जाऊंगा भाई फौजन ने तो वह प्रोग्राम दे गया मेरा नाम की वह मुख्य अतिथि हो जी भाई चल पड़े हाँ गाइस घर से भाई और फौजन भी रेडी हो गए ना आएगी आज की मुख्य अतिथि यही है प्रोग्राम की भाई क्योंकि तारा भाई ने तो टाइम को नहीं बिल्कुल भी एक सवेरे सवेरे भाई जब माटी जमान ले रहा था तो गुंठा पर दुरमच ऐसा लग गया है कि ना भाई साहब न गल छेड़ दो एकदम तो मैंने दुरमच भी मरे पकाए ना मत कि मैं तो भाई घर का काम है ना इस टाइम में छेड़ लिया कि चुनाव का दौर चल रहा है और चुनाव में सारे एक्टिव हो रहे भाई तो अपना फतेहाबाद विधायक मैं सच्चाई बताऊंगा भाई तमना हकीकत कदे तमने सोचो भाई रवि झूठ लग रहा बोलन या प्योर हकीकत है भाई फतेहाबाद है हल्का मैं अपना कांग्रेस के वैसे तो 4 कैंडिडेट है मैं अपना बात बता दूं एक तो प्रहलाद सिंह गिल्ला खेड़ा का लड़का है जो विधायक रेवड़ा है भाई एक बलवान दौलतपुरी है वो भी विधायक रेवड़ा है एक डॉक्टर शिवाच है वो रहा को नहीं लेकिन पिछली बार जो परफॉर्मेंस थी उसकी बहुत बढ़िया थी 1500-2000 वोटा दे रहा था और एक रह गया विनीत पुनिया वो भी विधायक तो को नहीं रहा लेकिन उसके सीधे डायरेक्ट राहुल गांधी की लिंक है भाई तो ये 4 कैंडिडेट है देखो टिकट तो एक ना मिलनी है और इब इलेक्शन का माहौल में आप आना तो करा चाहिए जिलगर की भाई इन कैंडिडेटा तो 3 कैंडिडेटा के फोन आपना तो रहा एक दिन छोड़ के एक दिन तो आए जाओ भाई तो मैं सोचते हो पर रवि झूठ बोलना यू कारण है कि भाई 15-20 जो भाई है ओ काफी वहां बैठ के ना वह भाई मेरे द्वारा बैठे जाओ है और ये नू कहन लाई जे भाई कि प्रोग्राम करवा ले प्रोग्राम कल तो कल की बात नहीं है परसों चौथे की बात है इसका गिल्ला खेडाला खतर प्रोग्राम खतर भी फोन आ रहा था भाई बोले प्रोग्राम करवा दे मानना भाई मैं सीधी स्पष्ट जवाब है जो कांग्रेस का हाथ है चुनाव लड़ेगा उसे न ही समर्थन मिला भाई अपने तो सीधी बात है स्पष्ट है इसमें कोई दुराई वाली बात नहीं भाई एक दो साथी मेरा चैनल पर देख बीजेपी का भी जुट रहा हुआ है कौन सी पार्टी यार पार्टी तो को मतलब है ही नहीं अपन तो जब सीधा स्पष्ट कह दिया भाई हाथ का चुनाव भाई अपना वोट जाऊगा बाकी मैं जो मुख्य बात यह थी भाई कि गल्ला चेजी लग रही है और गल्ला इनके बजाय फलाना काम मह रहे हैं बजाय आवांगे तो भी पहुंच तो भाई यार देखो टाइम में कौन लगता है यार बिल्कुल भी आपने सारा दिन दिखा कि भाई रवि काम करता भाव और ये भी हालत देख लियो मेरी
ये जो प्रोग्राम हो रहा है स्कूल में वो भी मैं अपना जाके ना दिखाऊंगा और मेरी जगह इस्ती छोड़ी के आने लग रहा हूँ मैं तो बिल्कुल भी टाइम को नहीं भाई। और ये पहुंचने वाले यहाँ पे स्कूल में और भी रंगारंग प्रोग्राम जो है स्कूल का गान बजाने का वो चलू आया बाबा भाई, तो दूर तो मैं आपने दिखाई दूंगा लेकिन उतर गया तो फिर भाई आने को देखे मैंने यार मेरी हालत देख देख भाई जमा खराब माहौल हो रहा है अग्नि में भी स्टेज में सही को नहीं ले भाई कहती मैं तो काम पता अटके आता था ना दो बात ज्ञान की बताई चुका और वो भी नशा का बारे में दो स्पीच गया हुआ के मना दे एंकरिंग मैं करूंगी जाएगा मेरी वीडियो बनाया अच्छा वा मैं मुखे दे तेरे मैं तेरे फोन लेके ना वीडियो बनाऊंगा तो भाई पहुंच जाए भाई स्कूल में और दिखाऊंगा आपने एक बार जाएगा ना उसका सिस्टम के सिस्टम है रोड बने रही वो लोग में। भाई पहुंच गए हैं स्कूल के अंदर भाई ये देखो गाइस इसकी बाहर वाई तैर दियो मेड़े तना रेड को बिक जिए और प्रोग्राम देखो भाई स्टार्ट हो रहा है रेड को कहते बिक जिए और कड़को जाओगी गेट में को जाऊंगी मैं तो गेट में कड़को नो ना को और ये देखो गाइस प्रोग्राम हो रहा है भाई स्टार्ट ये देखो सारे रंगारंग जबरदस्त माहौल बन रहे हैं और उतरो कर जल्दी कर जल्दी रुक है के गया आवाज सुनाऊं तुम थोड़ी इस स्कूल वाले है ना ये प्रोग्राम भाई हर साल करवाते हैं। कल आ रहा था अपने घर पे जो अजीत सर है वो बता रहे थे कि हर साल अपना स्कूल में इस दिन प्रोग्राम हो गया है। और यार रितु दूर लग रही फोन करना वहां लेके जाओगी थी क्योंकि देखो स्वागत तो मना है यार एक तो यार कल ही जाओ जुगर है फर्क इस चीज का एक जुगर एक दो स्टाफ वाला ही दिन लेना हुआ तो भाई बहुत फर्क है उसमें फिर फीलिंग आने लग जाए ना यार कल्ला जा सुन तो कल्ला जाओ ना उसमें फिर जुगर फीलिंग को नहीं आंदी और दो तीन जने लेने वाले आए जिन्हें वाट फोन घुटा हुई पै उदी फोन लॉकर में रख रहा हुआ और उसमें फिर मेरा बेटा मजा को नहीं आता भाई कई बार मेरे को नहीं मनता जुकर कल्ला जाना पड़ जाए ना तो फिर मौसम खराब हो जाए सारा। स्कूल से निकल दिया हूं भाई तो बारिश है ना बिल्कुल तूफानी बारिश स्टार्ट हो गई है भाई ये देखो पूरा कायर उठा गया बारिश में और हवा भी भाई गत चल रही है साथ में और मौसम देखो कितना नजारेदार हो रहा है भाई कितना बढ़िया मौसम लग रहा है दिखन भाई कि फलाना के खिलाफ वीडियो डाल दी दिगड़ा के खिलाफ वीडियो डाल दी मैं एक बात बता दियो आपने जबरदस्त बारिश नहीं हुई भाई कड़ा अगर जबरदस्त बारिश होगी ना फिर देखियो तो हमें गम का हाल के होगा और ईद भी मैं थोड़ी बारिश हुई भी दिखाई दी मैं आप लग ये देखो भाई ये गली गाँव की और फिलहाल तो बारिश हल्की हल्की हो रही है यो पानी कितनी देर का जम रहा होगा एडा खड़ा होगा तो वो आप अंदाजा लगाए इसको भाई फिर आप नु कह दो यार ये तो फलाना पर लग गया दिखड़ा पर लग गया लगन की बात नहीं भाई बात तो काम की ये देख लो गाड़ी के टायर देख लो कितने कितने लग रहे अरे यार ना मैन गली है भाई गांव गोरखपुर की जो मैन बस स्टैंड से चौक के अंदर जाओ और पहुंच गए हाँ भाई गांव में तो अपना भी बोल रहा था देख लो भाई बारिश में खड़ा था और देखा भाई ऋषि ने कितना काम और करे आप मैंने भी काफी टाइम लग गया अरे यार तकनीक मेरे है मसाला बनाने की भी नहीं तक अरे वारी थी चमकाया थी भाई दीवार एक दो बंदा ने ये देखो बैठक की फीलिंग आने लगी भाई ये देखो बाकी तो एक एक ऑटो रह रहा है मेरा लाना ये देखो ए अड़ तो रहा है डबल तो लग रहा
ये डबल हो रहा है इस दीवार वाला। वाह जी वाह। और टाइल भी मैच खाएगी इसके अंदर, बाकी प्राइमर लाइट है इसमें, फिर और भी जबरदस्त लुक आ जाएगी। ये देखो ये अलमारी भी लगी दिखना, तो भाई अलमारी में आएगी, जिससे पहली अलमारी भी गंदी खे करती। अगर पीओपी की बात करा तो भाई पीओपी हो गई है अपना, इस कमरा में कंप्लीट हो गई है। मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखो भाई, और किचन में हो गई है कंप्लीट। किचन में तो बस करके नट है भाई, इब्बे सीलन पड़ी है इसमें, और इसमें हो गई है लॉबी में, और ईब जचा रखी पैड भाई बैठक के अंदर, डबल साथ में रखी बैठक के अंदर। इसमें ये जितना भी उतरने वाला जुगाड़ी सारा तैर गए ना, और फिर करेगी भाई। कैसा चल रहा है काम? बहुत बढ़िया भाई। बढ़िया चल रहा है, एक नंबर है। बोर तो नहीं हो रहा कदम? आप बोर हो रहा होगा नहीं? यक्षोर सोरिक पूरे कर रहे हो भाई जमा, ओ क्रेशर जमा दिया सारा है। अरे एक सूत्र टिक्का दिखाइए, पीछे तो टिक्का लगाया गया जो वैसे निशान पड़े है पूरा लंबा जमा। चोरी है चोरी हरा है। क्या कर रहा है ये नू? नू कौन खेल लिया कर रहा है? ऐसे कौन खेलता भाई? तुम खेलते हो? ये निचले को मेरा हुआ है, कुछ न कुछ इनकी जरूर चाहिए बस। दुर्मत चला चला कि नहीं, ये देखो भाई हाल किसा गया है, पूरा पसीना में पसीना गया जमा। और ये देखो भाई माटी गेट गया ना, और कम से कम भी 30-35 तास वाली और पड़ी इसके अंदर, और सारा हट के दुर्मच में रहे भाई। आप तो ले जा रहे उठा के ना। आगे देख एक बार तो देखा गया। ले भाई एक जत्तम पूरी एक बोली ठह दी है, और टी शर्ट जमा चिप गई जनों पानी की बाल्टी गिर गई। और देखो भाई अंदर, ये देखो गाइस ये भी रह गया यू यू एरिया भाई, और साथ में बहन दी दी आपकी शैटरिंग ऊपर को। पसीना का छूने क्या जनों में क्या? हाँ लग रहा है कि मेहनत कर रहे हैं बिल्कुल। और फादर साहब जुटिया गड़े भाई क्या था? मोटा भी पहुंच गया, मोटा भी होकर भरवाऊ भाई। आ जा आ जा आ जा थोड़ा आवरा ना। एक जोटम भाई ले इसके भी कंप्लीट कर दिए हैं,
और इसके भी थोड़े रहे बस भी, ये भी कंप्लीट होने वाले, बाकी रोड़े खत्म हो गए थे और पानी भी गुन गया भाई। ये सारा काम उससे पहले कंप्लीट करे यार, ये देखो दोबारा तो फिर दिखाऊंगा अपने। तो वही लग गया भाई फोड़न दोबारा, तो वह भी अपन कंप्लीट कर दिया और मोटा भर लिया है एनर्जी पावर। प्रोटीन 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 जरूरी है, पूरा हो जाए अमृतपुरी। गाइस आज का सारा काम कंप्लीट हो गया है और मरवापा भी वही बूठे ही है रोड। देखो दोबारा तक कितने फोड़ दिए, पहले तो हमने सारे खत्म कर दिए थे एक डेढ़ घंटा के अंदर भाई साहब, सारे रोड़े है ना भीतर मेरे थे जमानो पसीने पसीने गए थे, वो आपने देखा हुआ। और दोबारा फिर कमी रंदी दिखी तो दोबारा फिर खोद दिए। फिर किसा लगे था आज का काम अपना? गच्च रोड़े कुट मशीन है दादा, सिल्लू के टांग सिल्लू के टांग ने ले भाई सिल्लू का दर्जा दे दिया दादा लगा। बाकी वीडियो किसी लगी हो सारे भाई कमेंट करके ना जरूर बता दी और चैनल में सब्सक्राइब कर लिया करो भाई। आज की वीडियो इतनी रखा है क्योंकि आज मौसम भी भाई खराब हो रहा है, दिन में भी बारिश आओ थी और ये भी एक एक दो दो बूंद है जो वह आने लगी है भाई। और खाना वाना भी लेना है और स्नान भी करना है भाई यार। टाइम के गया मोटे 8 बज गए, 8 तो कौन बजे हो गए शायद 7:30 तो 7:12 हो गए भाई, 7:15 हो गए हैं। और गाड़ी घोड़े भी भाई सारे बहरे खड़े हैं अपने अंदर भी करने हैं सारा, मतलब काम बहुत ही एक डेढ़ घंटा व्यवस्था बनाने में और लग गया भाई। तो इतना वीडियो ने लाइक कर दियो, कमेंट कर दियो और चैनल ने सब्सक्राइब कर दियो और जो अगर टाल सा दिखा भाई टीवी दाब दियो सारे भाई। फिर मिलेंगे एक और अच्छी वीडियो के साथ में।